एच टी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए सब्सक्राइब करिए हमारे एस टी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबर। राजधानी में कांग्रेस वरिष्ठ नेता एमटी अंसारी ने 75वीं पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वहीं दूसरी ओर शेल्टर हाउस के समर्थन में भी उतरे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमटी अंसारी, जिससे हमारे संवाददाता ने बात की और जाना किस प्रकार से उनको समस्या आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता विक्रम की एक रिपोर्ट। भारत रत्न राजीव गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने क्या क्या किया और जिस तरह से उनको याद किया, नमन किया, हमारे साथ इस वक्त हैं एमटी अंसारी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है राजीव गांधी जी के बारे में। सर क्या कहेंगे राजीव गांधी जी के बारे में जिस तरह से जो राजीव गांधी देश के माने जाने जो प्रधानमंत्री थे, जितने ही देश में विकास हुए हैं वो सब राजीव गांधी के देन हैं। मोबाइल से लेके बिजली उत्पादन जो भी किए हैं ये राजू देव के देन हैं। योगी सरकार में ये कहते हैं कि 36 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 36 सालों में कांग्रेस वो लाभ पूरे देश को दिया कि सब गरीबों के हाथों में मोबाइल, पेट्रोल, डीजल, बिजली, हर विकास किया हुआ, ये राहुल गांधी के देन हैं जो कि आज गरीब आदमी खा रहे हैं। देश की हालत बहुत ही नाजुक होते जा रही है, संविधान को बिल्कुल तहस नहस करते जा रहे हैं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ये योगी आदित्यनाथ जी। इसी सरकार में जब इनको जनता ने जो वादा किया था और जिस हालत में ये सरकार बनाए हैं, एक मरियाँ थाने के पास जानकीपुरम जो गरीबों के बकरी की दुकान में झूठा इल्ज़ाम लगा के एक वकील है दिनेश कुमार, जो कि फर्जी एप्लीकेशन देते कि गरीबों के पेट पर लात मार रहा है, इन लोग के भूख ततार पे आ चुके हैं, हर कारोबार हर जगह रोजी रोटी इन लोग के बंद किए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि छोटे छोटे दुकानदारों को लाइसेंस देने के लिए, तो इनको एनओसी के लिए नगर निगम में चक्कर काट रहे हैं। दुकानदार आपके पास समस्या लेकर आए थे? दुकानदार हमारे पास आए थे और मेरे सामने बगल में खड़े भी हैं और उनकी हालातें बहुत नाजुक हैं। जब को जो फैक्ट्रियां जो इस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे इन लोगों की? मैं पूरे देश में जनता के हित में कन्हे से कन्हे लगाकर पूरे देश को विकास और संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक हुजूम ऐसा बनाएंगे जो आज किसान बेचारे इतनी परेशान चल रहे हैं कि इस सरकार में कोई लाभ नहीं हो रही है, सिर्फ झूठा वादा चल रहा है, बात के बतंगर सिर्फ बना रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आपने मेरे पास टाइम निकाल के बहुत बहुत आए हैं तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप अपने माध्यम से इस मुद्दा को ज़्यादा से ज़्यादा इशू बनाएं। ये कोई इशू नहीं है जो गरीबों के पेट पे लात मारना, जब गरीब कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, उसको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे समझो। और ये फर्जी मुस्लिम जो पीड़ित दुकानदार हैं वो आपके साथ हैं? पीड़ित दुकान हमारे साथ है। ठीक है, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। तो जैसे कि पीड़ित दुकानदार हैं जिनकी समस्या को लेकर कांग्रेस नेता एमटी अंसारी उतरे हैं मैदान में, आइए जानते हैं कि क्या समस्या है। जानकीपुरम थाने का मामला है और किस तरह की समस्या है, क्या नाम है? बंद करा दिया शाबिर अली और पप्पू, ये हमारी जमीन है, हम लोग गोश्त की दुकान वहीं पे लगाते हैं मुर्गा बकरा। अब एसओ साहब ने बंद करा दिया, किसी वकील के जरिए से वकील है पाठा के यूनियन बना करके ये सब बंद करा दिया। फर्जी गौ मांस ये सब कहते हैं, तो एक नहीं बहुत ही एप्लीकेशन दे दिया, कुल मिला के कहते हैं हटा लो। वहाँ पे एक छोटा सा इनका प्लाट है, हम लोग पैतृक जमीन हमारी है, हम लोग ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी। हम लोग वहाँ पे 6-7 दुकानदार हैं, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, सब वही धंधा करके बच्चे पालते। अब मुद्दा एक बना लिया कि लाइसेंस हो तो दुकान करो, नहीं छोड़ दो। आला अधिकारियों से मुलाकात जी गए तो डॉक्टर साहब का कहना है कि एनओसी तो अभी जारी नहीं है, जब होगा तो लाइसेंस दे देंगे।
डॉक्टर नगर निगम के जी, तो कह रहे हैं फूड विभाग वाले लाइसेंस देंगे बस ये जी। हमारा लाइसेंस अप्लाई भी है, हर चीज़ है, अब वो रिन्यूअल नहीं हो रहा तो क्या करें जी। जी जी, हमारे लाइसेंस हैं, रिन्यूअल नहीं हो पा रहे हैं नगर निगम का जी, जिस वजह से आप लोगों को परेशानी है। एसओ दरोगा सब बंद करा दे रहे हैं। परिवार किस तरह से चल रहा है? अब कुछ नहीं, सब बैठे हैं यही तरफ, क्या करेंगे। तो जिस तरह से अवैध बूचड़ खाने की बात कही गई थी और लाइसेंस नगर निगम से द्वारा देने की बात कही गई थी, वहीं नगर निगम में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहा, जिस वजह से पीड़ित दुकानदार चक्कर लगा रहे हैं नगर निगम के और अपनी फरियाद भी बता रही है। वो वकील एक सामने रहते हैं, वो बहुत परेशान करे हुए हैं पाठक जी। जी जी, नगर निगम की गलती है ना, नगर निगम को आदेश नहीं हो रहा यही लेकर, नहीं पूरे शहर में यही हाल है कि वो बता रहे हैं हाईकोर्ट से अभी नहीं मिला है जी, हाईकोर्ट से बता रहे हैं कि वो अभी आपका रिन्यूअल नहीं होगा। तो ये बताइए अंसारी जी, किस तरह से इनकी समस्या का निदान कराएंगे आपको? इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, जो गरीबों का बकरा मुर्गे की दुकान है उसको लाइसेंस दें, और वर्तमान में जो बकरा मुर्गा मुसलमान तो सिर्फ बदलाम है, इसमें हिंदू ज़्यादा लेते हैं, मुसलमान 2% है तो हिंदू लोग 50% है। तो जब बकरी की दुकान ये बंद करा रहे हैं तो पूरे लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बंद कराएं, ये नहीं कि एक एरिया के बंद कराएं, या फिर लाइसेंस दें तो वो इनको इशू करें, इनको रोजी रोटी कमाने के लिए इनको जरिया दें, समझो छोटे छोटे फाका कर रहे हैं, गरीब बेचारे रोड पर कटोरा लगे भीख मांग रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से, आप कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर कोई प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे? जब ये लाइसेंस नहीं होगी तो इसका एक धरना प्रदर्शन भी होगा, जो कि साबिर भाई अपनी क्षेत्र से पूरी जनताओं के साथ यही विधानसभा के ऊपर इसको मांग के रखी जाएगी कि इनको लाइसेंस दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता एमटी अंसारी, जिन्होंने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर शुभकामनाएं संदेश किया और शोक भी व्यक्त किया, और जिस तरह से बूचड़ खाने की बात कही और नगर निगम द्वारा जो लाइसेंस बांटने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं पीड़ित दुकानदार जिस तरह से गोश्त का व्यापार करते थे और जैसा कि बताया कि खाने वाले ज़्यादा हैं बेचने वाले कम, लेकिन कहीं ना कहीं लाइसेंस रिन्यूअल ना होने के कारण से काफ़ी परेशान और आहत हैं। प्रदेश सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके लाइसेंस को रिन्यूअल कर दिया जाए। बीडी जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।